खान साहब, अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में बरकत दे। ये हमेशा अपनी कुव्वत इरादी में बड़े पक्के रहे। मैं इनकी क्रिकेट का फैन हूँ, रहा हूँ, अब तो छोड़ गए। एक बहुत एतराज ये होता है कि इनके पास तो टीम ही कोई नहीं, तो ये फलाही रियासत कहाँ से आएगी। 92 में जब इन्होंने वर्ल्ड कप जीता तो सिर्फ इस एक शख्स का आज़म था कि मुझे वर्ल्ड कप जीतना है। टीम तो बहुत कमज़ोर थी, गिरते पड़ते फाइनल में पहुंची। उसके बाद इतने बड़े हॉस्पिटल, अरबों का मंसूबा, जेब में चार आने भी नहीं, लेकिन आज़म किया, इरादा किया, अल्लाह ने उसे खड़ा करके दिखा दिया। फिर ये 22 साल पहले सियासत में आए, ये तनहा थे, अल्लाह ने इनकी कुव्वत इरादी, मेहनत वज़ीर आज़म बनाया। अब ये एक खूबसूरत ख्वाब देख रहे हैं और हमें दिखा रहे हैं और मुखलिस हैं। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद नहीं, यकीन है 100% कि ये इंतहाई दयानंदार, इंतहाई मुखलिस हैं। हमें इनका साथ देना है। हम इनका साथ कैसे दें कि हम भी शुरू हो जाएं कि सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, धोखा नहीं देंगे, फ्रॉड नहीं करेंगे, जुल्म नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, मिलावट नहीं करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे, किसी पर ज्यादती नहीं करेंगे। ये हमारा साथ है। यही तो फलाही रियासत ही मदीना की, सच्चाई पर, मोहब्बत पर, रास्तबाजी पर, ईसार पर, कुर्बानी पर, ये हमारा साथ है। हम उनको सियासी रंग ना दें, बल्कि हम इसको एक दीनी फरीजा समझ कर अदा करें। ये पहली खातून अव्वल हैं जो पूरे इस्लामी हिजाब में हैं, नकाब में हैं, पर्दे में हैं। पूरे मेरे पाकिस्तान की ख्वातीन के लिए उनकी ज़िंदगी एक पैगाम है कि इतने बड़े मनसब पर भी पर्दे किया जा सकता है। ये भी वो इन दो चीज़ों में वो अपनी मिसाल आप हैं। हम सब उनके लिए दुआगो हैं। अल्लाह उनकी मदद फरमाए और उन्हें हर शर से बचाए। अस्सलामु अलैकुम।